और इधर रोहतास जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर सासाराम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट पहन मोटरसाइकिल चलाने की अपील किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी जियाउद्दीन व सासाराम SDO राजकुमार गुप्ता के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत सड़क दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग करने की अपील की। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी सासाराम अनुमंडल पदाधिकारी ने हेलमेट पहन वाहन चला रहे चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने सड़क के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए नशे में नींद में वाहन नहीं चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, रात्रि के समय डिपर का उपयोग करने और वाहन को अपने साइड में चलाने तथा अन्य नियमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर NCC कैडेट सहित अन्य कर्मी भी उपस्थित थे। आज हम लोग जिला स्थापना दिवस के अवसर पे यातायात सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करने सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के नागरिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो हेलमेट को निश्चित रूप से पहने और अपने जीवन को सुरक्षित बनाए। हम उन परिवारों को बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं जिनके परिवार के सदस्य किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो हम लोग का यही लोग का यही सुझाव है कि वो लोग हेलमेट को यूज करें ताकि जीवन सुरक्षित। जिला स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर यातायात जागरूकता का फेरी निकाला गया। अवसर पर जो हेलमेट नहीं लगाए हैं साथियों वाले उनको गुलाब का फूल देकर स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश कर रहे हैं। हेलमेट लगाए आगे